कर रहा है और मैं 9 is 9 कैंपेन से हूँ और हम 5-6 बच्चे यहाँ पे आ रखे हैं। तो हम 9 is 9 कैंपेन से और हम लोग एक चिल्ड्रंस पार्लियामेंट भी चलाते हैं, तो हम उसमें मैं जेंडर इक्वलिटी की मिनिस्टर हूँ और हमारे पास सौरन है जो वाटर एंड सैनिटेशन का मिनिस्टर है। तो ये जो 72 बच्चों की जो मौतें हुई हैं, अगर ये लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना तो योगी जी ने कुछ कहा ना ही हमारी किसी ने कुछ कहा, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो 72 हो या 72,000 हो, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। और ये कब से बोलते हैं, और ये जो हमारी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हमारा हमारी सुरक्षा और हमारा हमारा स्वास्थ्य भी आता है। तो अगर हम हमारी गवर्नमेंट हमारी स्वास्थ्य की और हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, तो स्वच्छ भारत अभियान का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम, और 2004 में ये एक वादा किया गया था कि 9% से बच्चों के लिए हेल्थ और पढ़ाई में जाएगा, जो कि वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो अगर ये अभी तक पूरा नहीं हुआ और उनको अभी तक इतना काम करना है और उसमें से कुछ भी नहीं हो रहा, तो जब तक ये सारा काम पूरा नहीं होगा, ये जो 9% हमारे लिए बोला था उसमें से अभी तक 3% भी नहीं है, तो जब तक ये पूरा नहीं होगा तो हम बच्चे सुरक्षित है ही नहीं, तो ये बोल ही नहीं सकते। और ये स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर जो उन्होंने बोला है कि, तो हम इन सबको हमें इनको करना चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान में जो ये बोलते हैं कि बच्चे और ये सब, और हमें उसकी हमारे चाइल्ड राइट्स की बात आती है जब, तब हम सिर्फ बोलते हैं कि बच्चों को चाइल्ड राइट्स देना चाहिए और यहाँ पर बच्चे मर गया और कुछ कोई कह भी नहीं रहा। तो हम सबको हम इतना ही चाहते हैं कि हम सबको हमारे हक मिले, और वो जो बच्चों की मौत हुई थी वो बहुत गलत हुआ है। धन्यवाद।